साइंस हिंदी मीडियम कक्षा सातवीं चैप्टर छठा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब इसके अंदर है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यानी कि रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया एक ही चीज़ है। अगर पेपर में आ जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप ये परिभाषा लिखोगे। अब है कि उदाहरण के लिए कि एसिक में से धातु का निकालना, लोहेसिक से लोहे का, तो हम इस निश्चित क्रम के परिवर्तन करने पड़ते हैं। इस औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का उत्पाद होती है। जैसे नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक अपमार्जकों को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। और हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन एक या एक से नए पदार्थ निर्मित होते हैं। इसमें से रासायनिक परिवर्तन निम्नलिखित घटनाएं हो सकती है, तो इसमें से क्या है, ऊष्मा, प्रकाश और अन्य कई विकिरण हैं वो बाहर निकलते हैं। पराबैंगनी किरणें जो हैं वो बाहर निकलती हैं। अब ध्वनि का उत्पन्न होना होता है, उसमें से गंध में परिवर्तन होना होता है, रंग में परिवर्तन होना होता है, किसी गैस का बनना होता है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक परिवर्तनों के दौरान देखा जाता है। अब आपने देखा होगा कि एक मैग्नीशियम का फित्ते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इससे कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसमें सदैव उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि यानी कि कितनी ही गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। अब भोजन सामग्री वासी हो जाती है, गल सड़ जाती है, उसमें दुर्गंध आने लगती है, तो इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। अब लोहे में जंग लगना, तो ये आपका Fe लोहा प्लस ऑक्सीजन O2 वायु से, यानी कि लोहा और वायु के संपर्क में आने से, यानी कि जल यानी कि उसके अंदर गीलापन आने से उसको जंग लगता है। अब जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों ही अनिवार्य है, तो ये समीकरण बनेगी इसकी कि Fe प्लस O2 प्लस H2O यानी कि लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस O2 वायु से, यानी ऑक्सीजन गैस तो वायु में होती है और जल H2O जंग लगने पे बन जाएगा आयरन ऑक्साइड Fe2O3, यानी जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो अब है यस्तलेपन। अब लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्त जैसे किसी धातु की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है, यस्तलेपन, गैल्वेनाइजीकरण कहलाता है। यानी कि पेपर में आ जाए कि यस्तलेपन किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे कि लोहे की धातु के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्त की धातु का चढ़ाना यस्तलेपन कहलाता है। अब आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं, उनके ऊपर एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है और पानी के ऊपरी भाग में जल की बूंदें गिरती है। यही नहीं, समुद्र पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल और जंग लगने के प्रक्रम से दर को बढ़ा देते हैं, अतः जहाज़ों के पेंट करने के बाद भी जंग लगने से काफ़ी हानि होती है और जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। तो ये इसका यस्तलेपन का है। अब इसमें देखो क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। अब इसके अंदर समुद्र का जो नमक है और साधारण नमक जो समुद्र जलवाष्पन द्वारा किया जाता है, यानी कि भाप बना करके उड़ा दिया जाता है, इस प्रकार से उसका नमक जो है शुद्ध नहीं होता और उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं और इन क्रिस्टलों को आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तो किसी पदार्थ के शुद्ध अथवा बड़ी अमाप के क्रिस्टली उनके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं, इस क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यानी कि साधारण नमक जो है समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है और इन
क्रिस्टल को छोटे छोटे आकार के होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते। और किसी पदार्थ के या बड़ी माप के क्रिस्टल बनाने के लिए इसको विलयन को प्राप्त किया जाता है, जिसे क्रिस्टीकरण कहते हैं। अब है कि कॉपर सल्फेट, अब उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे और एक बिकर में जल लीजिए और जल को गर्म कीजिए। जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाते हुए चले जाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना ही जारी रखें तब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट घुलना संभव न हो जाए। और इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो जाता है तो इलाज उला करके किसी अन्य प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। तो ये हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा, और भौतिक रासायनिक परिवर्तन